लेट मी टेल यू, देर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस विलेज, वाई दिस इज़ बींग अबैंडन, क्यों ये खाली पड़ा है अभी तक. देर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस एंड देर आर सम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ऑल्सो फाउंड हेयर. पहुँच गए हैं कुलधरा और यहाँ की स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ. सो यहाँ 300 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण रहते थे. पुराने लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मिनिस्टर थे सलीम सिंह. उसकी काफ़ी गंदी नज़र थी गांव की एक लड़की पे. सो उसने गांव वालों को थ्रेटन किया और कहा कि उससे शादी करवा दो वरना अच्छा नहीं होगा. सो उसका ऑर्डर सुन के जो यहाँ के सराउंडिंग 85 गांव थे सब ने मिलके एक मीटिंग कंडक्ट करी एंड दे डिसाइडेड टू लीव द गांव. एंड इतना ही नहीं, जाने से पहले दे कर्स्ड दिस विलेज कि कोई भी यहाँ पे कभी सेटल नहीं हो पाएगा. एंड आज तक का रिकॉर्ड है इस गांव में, ये बंजर गांव है, यहाँ पे कोई सेटल नहीं हो पाया है. एंड कुछ लोगों ने यहाँ पे रहने की कोशिश भी करी, कुछ फैमिलीज आई जिन्होंने ट्राई किया यहाँ रहने का, बट दे वेंट टू स्टे बट दे वर नेवर सीन बैक. वो पता नहीं कहाँ गए, कुछ पता नहीं है. दैट्स द रीज़न इट हैज़ बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट. एंड कितनी स्टोरी सच है और गलत है ये हमें नहीं पता. जो लोगों ने बताया है मैंने आपको वही बताया है. मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ डिटेक्ट करी गई हैं, दैट्स वाई पीपल डोंट अलाउ यहाँ पे कि 5-6 बजे के बाद, सनसेट के बाद यहाँ पे आना अलाउड नहीं है. सो हमने तो कभी देखा नहीं है, हमें नहीं पता, हम तो दिन में आए हैं. और यहाँ का जो हमारा कैब ड्राइवर है वो ये भी कह रहा था कि जिसने ऐसा कुछ देखा है वो बताने के लिए जिंदा नहीं बचा है. अब ये गांव वाले ऐसा मानते हैं कि क्या है, क्या सीन है, पता नहीं है. बट इसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं है. जो इन लोगों ने स्टोरी मेंशन कर रखी है यहाँ पर, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये हॉन्टेड प्लेस है, ऐसा कुछ है. इनके अकॉर्डिंग तो मतलब वो जो मिनिस्टर था उसके अत्याचारों की वजह से लोग गाँव खाली करके चले गए थे. बट आई डोंट नो क्या सीन है इधर का. एक भी घर के ऊपर छत नहीं है, तो दिस इज अ लिटिल बिट यू नो. नहीं, पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता था तो यू कैन सी कोई से भी घर पे रूफ नहीं है. यहाँ पे लिखा है, मेंशन है कि लाइक दिस इज अ अर्थक्वेक प्रोन एरिया, सो दैट्स व्हाई जो घर हैं वो सारे टूटे हुए हैं. यू कैन क्लियरली सी हियर, मतलब ऐसा सा ही कुछ है. भानगढ़ भी वहाँ पर भी घरों के ऊपर रूफ्स नहीं है, तो अब सो वी डोंट नो द रीजन, बट हाँ कुछ कुछ ऐसी सी स्टोरी है. यहाँ पे एक मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर से मैं आपको व्यू दे रही हूँ, पूरा गांव दिख रहा है यहाँ से. एंड लुक एट दिस, एक भी घर की रूफ नहीं है. एंड ये पता नहीं है कि ये अर्थक्वेक की वजह से है ऐसा, या फिर दिस इज़ अ हॉन्टेड प्लेस इस वजह से है. सो वी डोंट नो, बट इतना ज़रूर पता है कि वी डिड नॉट फील एनी वाइब. ऐसी कोई वाइब हमें फील नहीं हुई. एंड हम लोग गए थे अराउंड 3-4 बजे के आसपास, सो ऐसा कुछ हमें फील नहीं हुआ है. सो वी कैन नॉट टेल यू. That's all for today, guys. Thank you so much for watching. If you like my video and if you found it interesting, then do give a thumbs up. और अगर अभी तक subscribe नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? Please go and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, bye bye.